अकारण करुणा वरुणालय, जिनकी छत्र छाया में बैठ करके जिनकी लीलाओं का वर्णन हम कर अथवा सुन रहे हैं, ऐसे परम पिता परमेश्वर गोविंद की असीम अनुकंपा में श्री भगवान की प्राण प्रिय लाडली राधा रानी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, पावन गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए हम कथा के क्रम में जुड़ने जा रहे हैं। आज कथा का दूसरा दिन, ज्ञानमयी त्यागमयी करुणामयी उपस्थित हमारी माताएं भगवान गोविंद स्वरूप भगवान राघव स्वरूप उपस्थित हमारे पिता तुल्य आदरणीय भाई साहब लोग और भक्ति स्वरूपा हमारी बहनें सभी को इस व्यास पीठ की ओर से सभी का स्वागत अभिनंदन, मेरी ओर से बार बार वंदन है। मैंने कल निवेदन किया था कि कथा में प्रवेश करने से पूर्व पहले 5 मिनट गोविंद नाम का कीर्तन करेंगे, और कल तो ठीक था लोग आए थे, परंतु कल की अपेक्षा आज लोग थोड़ा बड़े हैं। इसका मतलब आपसे मैंने जो कहा था कि आप लेके आना लेकर के आए हो, इसलिए ये कथा है भगवान की, इसमें जाओगे तो आपको लाभ ही होगा हानि नहीं होगा। इसलिए संसार की माया को त्याग करके केवल 3 घंटे भगवान नाम स्मरण कर लो, गोविंद नाम कीर्तन कर लो, तदुपरांत हम आप कथा में प्रवेश करेंगे, जैसे गुरुदेव भगवान की कृपा अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। तो एक बार जयकारा बनता है, बोली राधा रानी की जय, भागवत महापुराण की जय। ताली की सेवा वाणी की सेवा दे करके सभी मेरे साथ में 5 मिनट कीर्तन कर लो। जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी हाथ खड़े करो ऐसे लंबे लंबे, ताली सेवा देके गाओ क्या, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, हरी बोल।
धन तेरे वाहन मेरा धन मेरा धन तेरे आंगन मेरा धन तेरे वाहन मेरा धन आंगन मेरा धन तेरे वाहन मेरा धन ये बोल बड़े अनमोल प्यारी राधा रमण हरि बोल अपने दिल के कोठरिया खो प्यारी राधा रमण हरि बो हरी बोल।
भोले राधा रमण लाल की जय हो।